नमस्कार, आप देख रहे हैं परमार्थ आवास न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। लोधीपुर निवासी अनीस खान एवं उसकी पुत्री रुकैया पर लगाए गए दबंगई का आरोप। आपको बता दें, अवैध कब्जे को लेकर जनपद शाहजहानपुर के मोहल्ला लोधीपुर निवासी आसमा बेगम पत्नी हफीज अहमद पुलिस अधीक्षक से मिलकर लगाई न्याय की गुहार। मामला महानगर लोधीपुर स्थित का है। लोधीपुर निवासी आसमा ने बताया, आराजी गाटा संख्या 287 जिसमें मेरा रियासी है, उस भाग पर जबरदस्ती राजनीतिक प्रभाव एवं अपने परिवार की ताकत के बल पर अनाधिकृत रूप से कब्जा कर रखा है, जिसे कब्जा मुक्त कराया जाए। आसमा बेगम पत्नी हफीज अहमद निवासी लोधीपुर थाना रौजा शाहजहानपुर का है, जिसने बताया कि आराजी ग्राम लोधीपुर पटना पर सदर की गाटा संख्या 287-0-470 जो मोहल्ले के बीचों बीच में होने के कारण VIC हो गई है। इसमें कुछ भाग पर मकान भी बन चुके हैं। उपरोक्त आराजी में प्रार्थना के स्वर्गीय पति हफीज अहमद की करीब 260 मीटर भूमि है, जो प्लाट की शक्ल में है। प्रार्थनी बेवा है, विधवा है और गरीब है। उसकी एक लड़की है, उसकी शादी के लिए यह प्लाट बचा रखा है। प्लाट बेचकर लड़की की शादी कर देंगे। प्राथमिक अपना कोई बेटा नहीं है, इसलिए सारी कानूनी कार्रवाई भतीजे एवं दामाद देख रहे हैं। घटना की सूचना 24 दिसंबर 2022 थाना दिवस थाना रोजा में दी थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। घटना दिनांक 3 जनवरी 2023 लगभग समय 3 बजे प्राथमिक सब्जी लेने घर के बाहर दरवाजे पर खड़ी थी। उसी समय अनीस खान पुत्र हमीद घर के गेट पर आ गया और धमकी देने लगा, तूने मेरे खिलाफ तहरीर दी है, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा, प्रार्थनी को डर है। अनीस अपनी पुत्री रुकैया, जो कि भारतीय जनता पार्टी में पदाधिकारी है, रुकैया ने सगे चचेरे भाई वो चाचा पर तमाम अपराधों पर मुकदमा दर्ज कराया था। मैं मोहल्ले के कई लोगों पर झूठे मुकदमे में भी लिखवा चुकी हैं एवं मोहल्ले के अफसान आदि पर ही मुकदमे लिखाए जा चुके हैं। मुकदमा लिखवाने के बाद समझौता करके धमकी मोबाइल ही करती है एवं मनीष के पुत्र आकिब जावेद फैसल अरबाब मोहल्ले में जमा करवाते हैं और लाल की वसूली करते हैं और चुहारियों से कहते हैं, मैं वकील हूँ तो मैं कोई नहीं पकड़ेगा, अगर ज़्यादा दिक्कत होती है तो मेरी बहन रुपया भाजता माफ करिए बहन रुकैया भाजपा नेता है, सबको छुड़वा देंगे। अनीस अपने आप को वकील बताता है, जबकि वह वकील नहीं है और खुद को व्यापार मंडल का जिला उपाध्यक्ष भी बताता है, जबकि अनीस कोई व्यापार नहीं करता है। अनीस बैंकों में दलाली का काम करता है, लोन का बहाना देकर लोगों से ठगी का कार्य करता है, लोगों की ज़मीनों पर अवैध रूप से कब्जा भी कराता है। अनीस एक भूमाफिया किस्म का व्यक्ति है, काफ़ी ज़मीनों पर कब्जा भी कर रखा है। आसमा बेगम ने आरोप लगाया, उसके पुत्र पुत्री पर काफ़ी मुकदमे दर्ज हैं। संवाददाता योगेश वाजपेयी की रिपोर्ट। विवेकानंद इंटर कॉलेज के पास है, जिसमें अनीश जो है भूमाफिया किस्म का व्यक्ति है, जिसने जो है हमारे मकान पे अपने पुत्रों सहित और अपने पुत्री सहित कब्जा मतलब कर रखा है। इसने जो है और मैं गृहस्थी के हमारे मतलब काफ़ी सामान है और कम से कम 50-60 लाख रुपए का हमारा मकान है। इसने हमारे मकान पे कब्जा कर रखा है और इसने क्या नाम है, पिछले साल 2 फरवरी 2021 को इसने पिछले साल 13 तालों को तोड़ के हमारी मई गृहस्थी पर कब्जा किया, समझे, हमको काफ़ी मारा पीटा समझे और कहा कि अगर यहाँ तू आया तो तुझे जान से मार देंगे और आए दिन ये क्या नाम दबंगई करता है। तो इसकी शिकायत आप लोगों ने पुलिस थाने में कई बार हमने थाने में भी दी, उच्च अधिकारियों को भी दी, लेकिन कोई निस्तारण नहीं हो सका, कोई सुनवाई नहीं हुई। कहते हैं बीजेपी से हैं, मेरा कुछ नहीं हो सकता। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इमरान खान है। आज क्या मामला है जो आप पुलिस कप्तान से मिलने आए थे? सब हमारी जमीन पे उन्होंने कब्जा कर रखा है। किसने कब्जा किया? अनीश नेता। कहाँ का मामला है, पूरी बात बताइए, घटना क्या हुई? लोधीपुर का। आज किस मामले को लेकर आप कप्तान साहब मिलने आए? लोधीपुर में हमारी चाची हैं, इनका पैतृक प्लाट पड़ा है जिस पे अनीश नेता ने दबंगई से, भूमाफिया किस्म का व्यक्ति है, अपने लड़कों से जुआ करवाता है, नाल वसूलता है, अपनी लड़की से झूठे मुकदमे लिखवाता है, लोगों को परेशान करता है, ज़मीनों पे कब्जा करता है। इस मामले में आज हम लोग एसपी साहब से मिलने आए। अच्छा, इससे पहले अनीश ने
उस उपरोक्त मामले को लेकर नगर निगम और एसपी सिटी को सिटी मजिस्ट्रेट को भी ज्ञापन दिया था, उस मामले में क्या कहेंगे? वो सब सारा झूठा मामला है। वो मकान बहुत पहले के बने हुए हैं और कोई बाढ़ग्रस्त एरिया में नहीं है, सब बैनामे हैं। वो रास्ता भी उन्होंने अपने बैनामे में से दी है, चाहें तो अपनी जांच करवा लें। वो खुद भू माफिया, उन्होंने अपने सगे दामाद तक का तो मकान कब्जा कर रखा है। तो एसपी सिटी ने क्या आश्वासन दिया आपको? एसपी सिटी ने आश्वासन दिया है कि इसकी कार्रवाई जांच करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नन्या था।